सुश्री ट्विंकल कालिया, आप नई दिल्ली में जरूरतमंदों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान करती हैं। आपकी सेवा कई जीवन बचाने के लिए एक वरदान साबित हुई है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। बचपन से दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना देखकर बड़ी हुई दिल्ली की ट्विंकल अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी एम्बुलेंस चलाकर बचा चुकी हैं। पति से प्रेरणा लेकर ट्विंकल पिछले 19 सालों से ये काम कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए हादसों, दंगों और आपदाओं के बीच एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए घायलों को अस्पताल तक पहुंचाकर उनकी जिंदगी बचाई। वहीं समाज के लिए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनी ट्विंकल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। साल 2002 में उनकी शादी हिमांशु कालिया से हुई। शादी के दौरान हिमांशु ने दहेज लेने से मना कर दिया था, लेकिन ट्विंकल के परिवार वाले उपहार में कुछ ना कुछ देना चाहते थे। इस पर हिमांशु ने कहा कि वे उन्हें एक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दे सकते हैं। दरअसल 1992 में हिमांशु के पिता अनूप कालिया की तबीयत खराब हुई तो हिमांशु ने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। समय पर इलाज नहीं मिलने से हिमांशु के पिता अनूप कोमा में चले गए। इसके बाद गिफ्ट के रूप में हिमांशु ने एम्बुलेंस लेना ज्यादा मुनासिब समझा। हिमांशु और ट्विंकल कालिया सालों से ऐसे मरीजों को मुफ्त अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होती है। कई बार तो इन्होंने ऐसे मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई है। जिन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो शायद अपनी जिंदगी तक खो देते। लोगों की जिंदगी बचाने की पहल करने वाली ट्विंकल कालिया को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके इस काम को लेकर उन्हें सम्मानित किया। पिछले 19 सालों से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एम्बुलेंस चला रही ट्विंकल कालिया कई लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। आज अपने काम और अपनी समाज सेवा के कारण लाखों महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं ट्विंकल कालिया।